हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आद्विकाज मॉम किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही कम तेल में ये टेस्टी सा मटर पनीर। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे रखा एक कढ़ाई और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आप चाहे तो इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 तेज़पात और लाल मिर्च। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से चटक जाए तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब इनको हम 1 से 2 मिनट तक सॉटी कर लेंगे। ये अच्छे सॉटी हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। भूनने में 2 से 3 मिनट लगे हैं और मैं इसके साथ ही इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ ताकि जो हमारा मटर है वो अच्छे से फटाफट सॉफ्ट हो जाए। तो अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स इसको अब ढक के हम 2 मिनट और कुक करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मटर है वो अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इसका कलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने आवश्यकता के अनुसार पानी डालें। आपको कितनी ग्रेवी गाढ़ी चाहिए आप उसी के हिसाब से पानी डालें। और सबको हम और फ्रेंड्स इसमें हम एक उबाल आने देंगे। और अब मैं इसको हरी धनिया की पत्ती के साथ अच्छे से इसको गार्निश कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।